आप देख रहे हैं वेस्टेड न्यूज़। वेस्टेड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 4 मई को हो चुका है, वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है। मेरठ में नगर निगम चुनाव अब पूरी तेजी पकड़ चुका है और इसी को लेकर सपा गठबंधन की बेरपत की उम्मीदवार सीमा प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए बताया, शहर की जनता से उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। एक एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी का गठबंधन का आपको चारों तरफ नजर आएंगे। अगर मेरी तरह घूमो, सुबह से 5 बजे से निकली हूँ, रात के 2 बजे हम घर पहुँच रहे हैं, तो चारों तरफ मुझे भीड़ और सारे आदमी लोग नजर आ रहे हैं। जिस तरह का रोड शो में जनसमूह देखने को मिल रहा है, बस बाकी ये तो सवाल उठ रहा है कि विधायक साथ नहीं है, बाकी लोग सारे साथ हैं, तो इसी पे वो बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्या उठ रहा है, जब समूह दिखाई दे रहा है, समूह ही तो जिताता है। जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है और जनता जनार्दन है और जनता हमें जिता रही है, जनता हमारे साथ है। जनता को काम चाहिए, जनता को झूठे वादे नहीं चाहिए, जनता विकास चाहती है और जनता हमें सपोर्ट दे रही है, हमें प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है। और जनता हमारे, आप देखो चारों तरफ को, आप कैमरा घुमाओ, किस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है हमारे प्यार में, हमारे काम पे। क्योंकि माननीय अतुल प्रधान जी की शैली भी और हमारी भी, देखो अध्यक्ष रही हूँ जिला पंचायत की, तो कार्यशैली लोग जानते हैं और काम को लोग वोट देते हैं। क्योंकि अब जातिवाद पे कहीं वोट नहीं मिलता, झूठे वादों पे कहीं वोट नहीं मिलता, वोट विकास को मिलता है। कुछ मैडम आपके वादे रहेंगे जो जनता से आपके? जनता से हमारे वादे हैं, आप देखो मीनाक्षीपुरम की सड़क देख लो, वैसे कहने के लिए नहीं, ये बहुत अच्छी जगह है। क्या अच्छी जगह है, इससे अच्छा विकास गांव में मिल जाएगा। आप जनता से वादे हैं कि हम सड़कें, नाली, खरंजे, आवारा पशु और जो गंदगी है वो हम हर चीज पे काम करेंगे और हर चीज पे हम इन्हें चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे। और हमारी जो महिला शक्ति है परेशानी झेल रही है, क्योंकि काफी जगह सीवर की समस्या है, काफी जगह पानी की निकासी की समस्या है। देखो नगर निगम हर मकान से टैक्स लेता है, पानी का टैक्स लोग अलग दे रहे हैं, हाउस टैक्स अलग दे रहे हैं, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिली। नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सबसे पहले हम उसे दूर करेंगे और हम अपने लोगों में काम करेंगे। मैडम हमारी सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हम ज्यादा विकास करेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे? इंजन जब खराब हो जाता है तो फिर कितने इंजन लगाओगे बताओ? इंजन तो एक ही काम करता है, नहीं करता है। अच्छा इंजन हमेशा चलता है और वो ट्रेन को ले भी जाता है। जब इंजन खराब होते हैं तो डबल इंजन से इनसे विकास नहीं हो रहा, तो अब ट्रिपल लगा के कोई ज्यादा अच्छा विकास करेंगे? मुझे नहीं लग रहा, आप लोग बता दो, ट्रिपल से ज्यादा बीजेपी विकास करती है? कोई विकास नहीं हो रहा, झूठे वादे हो रहे हैं जनता। मैडम कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो दलित मुस्लिम समीकरण बैठा के बैठी है, तो आपको क्या लगता है अब की बार मुस्लिम समाज जो है ना बटता हुआ नजर आ रहा है? जो हमें तो सर समाज के साथ मुस्लिम जुड़ा हुआ था, हमें सर समाज नजर आ रहा है। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं, हम सब लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि आपसी भाईचारा सौहार्द बनाकर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सब लोगों का हमें सपोर्ट मिल रहा है और सर्व समाज हमें वोट कर रहा है और चारों तरफ से आप देखो चाहे कहीं भी चले जाओ, चारों तरफ हमें लोग वोट कर रहे हैं और चारों तरफ हमारे लोग हमारे साथ हैं। जनता से तो मेरी हाथ जोड़ का यही अपील है, आने वाली 11 तारीख को चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना अमूल्य वोट देकर यहाँ से एक सेवा का मौका दें, कम से कम ये दिखे कि हाँ कहीं विकास हो रहा है, और एक मेयर ऐसा चुने जो आप लोगों के बीच में रहे और जनता के कार्य करे और जनता के सुख दुख में मेयर घूमता हुआ मेरी मेरठ महानगर की जनता को मिले। मैं जनता से अपील करती हूँ कि एक आशीर्वाद के रूप में जरूर मुझे मौका दें।